जिंदाबाद 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 जय 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 नारी शक्ति नारी शक्ति जिंदाबाद जय करो वीर बजरंगे बोलो बाबा तानाजी महाराज की सदगुरुदेव महाराज की। आप खुद देख रहे हैं कि जब इंसान ने अच्छे कार्य किए होते हैं तो इतनी गर्मी के बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, नारी उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, उसी के समर्थन में एक ये जो महिला स्कूटी रैली, महिला रैली है, हजारों हजारों की तादाद में ये सिरसा से निकल कर बच्चियाँ आई हैं इतनी गर्मी में अपना समर्थन देने के लिए कि सिरसा का इलेक्शन एक तरफा है, ये दिखाने के लिए कि किसी को कोई बहम ना रहे कि कैसे महिलाएँ कैसे मतलब नारी उत्थान के लिए जो कार्य करें उसको समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भाई अशोक कंवर जी के समर्थन में, अलोपा के समर्थन में, गोपाल और गोविंद को आज सब अपना प्यार देने के लिए जो ये भीड़ उमड़ी है आप देख रहे हो हजारों हजारों की तादाद में, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भीषण गर्मी में लोगों का उत्साह कैसे दिख रहा है यह आपके सामने है, देख लो, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता कोई भी के हजारों महिलाएं मोहल्लों से घरों से निकल के आई हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मेरे साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष सिरसा डिस्ट्रिक्ट की नीताशा सिहाग जी और तंवर जी की मिसिज अवंतिका तंवर जी की बिटिया, ये हमारी ये सब आए हैं, सारी महिला टीम भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा लोकहित पार्टी की आज समर्थन कर रही है, एक तरफा माहौल है। हरियाणा लोकहित पार्टी का पूरा जिला में अच्छा वर्चस्व है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम लगे हुए हैं तन मन धन से, ये सबको मालूम है कि एक तरफा माहौल बन चुका है और जीत निश्चित है, भारी बहुमत से जीत होगी। आप जब से आए प्रचार और आज शाम को एलनाबाद में गीता बहन राबड़ी जो जिसके फैन मोदी जी हैं वो सिरसा आ रही हैं, और आज एलनाबाद में कल भगत सिंह चौक सिरसा में जिसका फैन आज पूरा दुनिया है और वो उसके फैन है, वो अपने भजनों से राम के भजनों से सरोबोर करेंगी, और आज एलनाबाद के रामलीला मैदान के अंदर उनका प्रोग्राम है शाम को, तो सभी पहुंचे, सभी से मेरा निवेदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा, जय सिरसा। कल सिरसा वालों ने कर ली तैयारी, आ गया भगवाधारी, और भगवाधारी आने के बाद सिरसा लोकसभा का क्षेत्र का जो इलेक्शन का माहौल था वो एक तरफा हो गया, और उसके बाद नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति ने कहा कि हम भी हमारे शहर में एक नारी शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को दिखाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी के पक्ष में, डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में, और गोपाल भाई कांडा ने फैसला लिया कि मैं सिरसा में नारी शक्ति का एक दिखाऊंगा, नारी शक्ति के अंदर आज ये स्कूटर यात्रा कर रहे थे उसके अंदर आज हजारों हमारी माताएं बहनें जिनको पता नहीं था तो वो स्कूटी के बगैर आ गई, तो आज अभी हमने ई रिक्शा मंगवाई है और उनको भी ई रिक्शा में बिठाकर ये नारी शक्ति प्रदर्शन सिरसा में किया जाएगा कि एक तरफा इलेक्शन का माहौल है, यहाँ से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, हरियाणा लोकहित पार्टी जिंदाबाद है, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद है।